Good morning, everyone. Even though it's not a good morning, it's a good afternoon, because when I'm making video, it's good morning itself. So yeah, it's okay. We'll focus on chapter 17, that is mensuration. Okay, and in the previous video, you must have seen that we did learn about a different figure or a shape, that was cylinder. In this video, we'll be looking at cone. Okay, so we'll be looking three aspects of cone. One is curved surface area, the other one is total surface area, and the third one is volume. Okay, so volume, curved surface area, and total surface area, three things we'll be looking at. Now, before going to the formulas, I would help you guys to understand how did the formula came. Okay, which I really focus on the basics. So I really want to focus on basics. How did the formula came up? Why did it come up? So you need to know that. So kal ke din agar aap exam mein baithe ho, again you can make your own formula by using this diagram. So I just have this diagram right now. I have nothing else, right? So what I'm gonna do? I know this is radius. This is a circle. A cone has always in the bottom part of it. It's always a circle. Okay? And this is the curve area. Ye jo cone hota hai, curve area hota hai. Aur isse bolte hai lateral surface area. I told you in the later video also, or the previous video, that it's called lateral or curved surface area. Okay, this part. And total surface area mein kya aayega? Curved surface area plus ye niche wala circle ka area. To usse kya bolenge? Total surface area. Volume kya aayega? What can this tent contain? आपने आइसक्रीम खाई है, और आइसक्रीम को अगर आप आइसक्रीम जो कोन होती है, कोन में कितनी आइसक्रीम डाल सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम. ओके, आइसक्रीम के बाहर पेपर चिपकता है, वो पेपर सरफेस एरिया को डिनोट करता है. ठीक है, अंदर वाला पार्ट वॉल्यूम और बाहर वाला पार्ट सरफेस एरिया. नॉट मेकिंग अ वीडियो लॉन्ग, आई नीड टू जस्ट हेल्प यू गाइज इन फर्स्ट फिगरिंग आउट हाउ टू फिगर आउट द फॉर्मूला. सो दिस इज एच, दिस इज आर, दिस इज एल, दैट इज लेटरल और स्लांट हाइट. दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट. ओके, स्लांट हाइट क्योंकि प्रिंटेड हाइट है ना, तो इसलिए बोलते हैं स्लांट हाइट. ये हाइट है, सिंपल हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, जो हम एल से डिनोट करते हैं. बेसिक थिंग आपने देख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्राइंगल सा बन रहा है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है. कैन यू सी? है ना, जब भी क्योंकि मुझे आर मिल सकता है फॉर्मूले में, जब क्वेश्चन देंगे आर फिगर आउट कर सकता हूँ, एच भी देंगे, पर स्लांट हाइट कैसे ढूंढनी है? तो अगर आप देखो, तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो कैसे होगा ये? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, राइट? अब स्लांट हाइट ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला आता है, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला, ये याद रख सकते हो. कैसे? क्योंकि स्क्वायर में उतर करके स्क्वायर रूट बन गया, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्लांट हाइट. ठीक है, तो अभी इसको ना देखते हुए इसको रखते हैं. अब मैं इसको क्या करता हूं, इस कोन को काट के खोल रहा हूं. तो जब मैं इसको यहां से काटूंगा चाकू से, तो ये कोन ऐसे लगेगा. आपको याद होगा कि वी डिड आल्सो ओपन अप द सिलेंडर, बोला था काट के खोला था. तो जब मैं ऐसे काट के खोल दूंगा, तो ये ऐसे दिखेगा. ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दैट फिगर, इसमें फोकस कर देते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी. आप बता दीजिए ना मुझे, इसकी लेंथ कितनी होगी? अगेन क्या होगा? 2 pi, है ना, इसकी लेंथ. ये सर, इसकी लेंथ होगी 2 pi. तो मतलब इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 2 pi, बिकॉज ये सेम चीज़ है जो हमने काट के बड़ी कर दी. हमने काट के कुछ हटा के फेंका नहीं, सब कुछ यहीं पर है, कुछ वेस्ट नहीं गया, सब कुछ यहीं पर है. ओके, एंड दिस लेंथ इज दिस. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास ये कपड़ा आया है, जैसे मैंने ये कोन कपड़े की शेप में था, मैंने कपड़े को फाड़ के एक ऐसे फ्लैट का बना दिया इस शेप में है. अब जो भी कपड़ा आया, मैं कपड़े को क्या करूँगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. क्या कर दिया मैंने? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर. ठीक है, इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7. कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 7. अब मैं क्या करूँगा, ईटा होती है ना ईटा, मैं इनको काटूंगा और ईटों की तरह ऐसे लगा दूंगा, एक के ऊपर एक या एक के साइड में. तो ये पार्ट इधर आ गया, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली मैंने उल्टी करके लगा दी ऐसे करके, ये वाला पार्ट उधर चला गया, ऊपर चला गया. ठीक है, तीसरा वाला इधर आ गया, चौथा वाला ऐसे हो गया,
पांचवा रैक्स हो गया, छठा वाला रैक्स हो गया, अब सातवें वालों की क्या करूँगा, सब इक्वल में है, मैंने एक्चुअली सही से नहीं बनाया, करेक्ट नहीं है, पर सातवें वालों को मैं आधा आधा काट के मैं ऐसे कर दूँगा, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो कौन से शेप में दिखेगा आपको, रेक्ट ट्राइंगल, कौन से शेप में दिखेगा, रेक्ट ट्राइंगल शेप में दिखेगा। और रेक्ट ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एरिया ढूंढ रहे हैं, एरिया ढूंढ रहे हैं, इसका एरिया ढूंढ रहे हैं तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, पर मुझे पता है ये कितना है, दिस प्लस 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 दिस, क्या कितना ये टू पाया, क्योंकि ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है, पर टू पाया मतलब पाया प्लस पाया, तो पाया तो ऊपर चला गया, एक पाया ऊपर है और एक पाया टू पाया को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट से, समझ आया। और ये क्या था आपका एल, तो इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ध्यान से देखना इसका एरिया, क्योंकि जो भी यहाँ पे था वो ऐसे मैंने काट के ऐसे बना दिया, और जो यहाँ था मैंने सब उखाड़ के यहाँ लगा दिया, तो अभी कुछ नहीं बचा, तो इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे आप, दिस इनटू दिस, सो आई विल से लेटरल सरफेस एरिया पायर इनटू एल, तो कितना हो जाएगा पायर एल, इधर रुके, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे, पाई आर एल, ओके। सो मुझ पे लेटरल सरफेस आ गया, अब मुझे दूसरा चीज करना है कि मुझे ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे ढूंढते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सरफेस, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल, दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो पार्ट है उसका, तो उसका एरिया कैसे ढूंढते हैं, पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या है दोनों में, पाई आर, तो इधर क्या बचा एल और उधर क्या बचा एक आर बचा, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस। अब आ जाओ वॉल्यूम, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे आप, तो मैं आपकी हेल्प कर लेता हूँ वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ सिलेंडर with radius r and height h, and I have a cone which also have same height, that is h, and which also have same radius, that is r. अगर इसका radius 5 है, इसका radius भी 5 है, इसका height 7 है, इसका height भी 7 है, ठीक है। Just imagine करो same height और same radius वाला हमने cylinder और क्या लिया, हमने cone लिया, imagine कर लिया, same क्या होना चाहिए, height और same। अब आपको इसका फॉर्मूला तो पता होगा वॉल्यूम का, क्या था, क्या था इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक काम करो, इस कोन में जो आपने हाइट और रेडियस लिया इसमें पानी भर दो, क्या भर दो इसमें, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग जब आप पानी इसमें पूरा टॉप तक भर के, इफ यू पोर दैट इनटू दिस सिलेंडर वो इतना इतना भरेगा, जब आपने एक कोन में पानी भर के डाला, फिर दूसरी कोन में सेम कोन को पानी फिर से भरो इतना भरेगा, और तीसरी को भरो पूरा भर जाएगा, तो मतलब एक कोन से विद सेम रेडियस और हाइट तो कितने बार में भर रहा है, कितने बार में भर रहा है, तीन बार में। तो मतलब जो इसका वॉल्यूम है और जो इसका वॉल्यूम है ये वन थर्ड है, क्या है इसका वॉल्यूम, वन थर्ड ऑफ सिलेंडर, तो वन थर्ड ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना था, ये फॉर्मूला हो गया किसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज पाई आर स्क्वायर, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर, ओके। आई एम गोना टेल यू अगेन, इसमें पानी भरो, इसमें डालो, वन थर्ड भरेगा, फिर डालो आधे से ज्यादा भर जाएगा, फिर पूरा भर जाएगा, मतलब तीन बारी में भर जाएगा, तो मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वन थर्ड ऑफ अ सिलेंडर, ओके। ओके, वी बी लुकिंग वन इजी क्वेश्चन, वी बी लुकिंग अनदर हार्ड क्वेश्चन, सो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन और द इजिएस्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर वन, इन दिस दे हैव आस्क्ड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया when lateral height is 21 and diameter of the base, they have given diameter of the base is 24,
डोंट वरी अबाउट डायमीटर ऑफ द बेस व्हेन एवर दे से समथिंग लाइक दैट जस्ट कीप इन माइंड द डायमीटर ऑफ रेडियस एक ही होगा और कुछ नहीं होगा कोन में तो अगर ये है तो रेडियस कितना होगा आपके पास 12 इजंट इट नाउ आई हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया नाउ यू मस्ट नो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर आर प्लस एल राइट एंड देन आई नो पाई 22.7 इंटू आर इज 12 एंड आर प्लस एल दैट इज 12 प्लस 21 देन 22 अपॉन 7 इंटू 12 एंड 12 प्लस 21 दैट इज गोइंग टू बी 33 राइट इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी कैंसल्ड आउट आई डोंट थिंक सो सो आई एम जस्ट गोना मल्टीप्लाई एवरीथिंग एंड पुट इन डिवीजन फॉर्म एंड द आंसर इज गोना कम 8712 अपॉन 7 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है तो स्क्वायर ओके आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो वाले ने भी आपने आंसर मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ा है पर आप ऐसे भी रहने दे सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हो इस तरह ओके ओके सो दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 1 Okay, we'll be looking at example number 9 now. Example number 9 says something like this. The volume of a conical tent. Okay, there's a tent and it looks like a cone. And the volume is given to me 1, 2, 3, 2. And the area of the base floor, you can see base. Area there ka iska base. But I know it. The shape of the base is circle. Okay, so area of the base floor is 154. So I'm writing whatever is given to me, area of base floor. Equals to the shape is circle so area is found by pi r square but they have given me the answer for this so I'm going to write 154 meter square equals to 22 upon 7 into r square so through this I can find r so 154 meter square into 22 upon sorry 7 upar aa jayega 22 niche chal jayega 22 7 zar equals to r square तो 7 7 49 r square पर मुझे r की वैल्यू ढूंढनी है तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट इधर आएगा तो आपको पता है कैसे है ना तो आपके पास r आ गया और सबसे पहला पार्ट ही यही था कि आपको क्या ढूंढना था रेडियस ऑफ द फ्लोर हो गया पहले पार्ट का आंसर सॉल्यूशन नाउ विल बी हैविंग अ लुक इन सेकंड पार्ट ओके द सेकंड पार्ट सेज हाइट ऑफ द टेंट इफ आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट Then I know, you know, what is the formula for volume? The formula for volume is equals to 1 upon 3 pi r square h. In this, I have everything. The only thing that I don't have is, I also have volume. What is the volume? 1, 2, 3, 2 meter cube equals to 1 upon 3 into 22 upon 7 into 7 into 7 into h. So I'm going to shift everything on one side, okay? So 1, 2, 3, 2 into 3 into 7 upon 22 into 7 into 7. Is that okay? Is there anything that can be cancelled out? 7 and 7 can be cancelled out. What else can be cancelled out? Yes, 22 can be cancelled out with this and this, everything is going to be cancelled out anyhow and your answer is going to be left 24. So, isko isse kaatoge aur isko kaatoge to yahan pe 28 bachega. Okay? Sorry. 24 bachega jab aap sab cheez kaat doge aur aapka answer h kitna aa jayega? 24, बट हमेशा सेंटीमीटर लिखना है स्क्वायर और क्यूब नहीं लिखना है यहाँ पे ठीक है अगर आपको कटिंग अभी भी सीखनी है टेंथ में आके तो आई कांट हेल्प यू विथ दैट बट यू हैव टू डू द कटिंग ऑन योर ओन ओके वो धीरे धीरे टू से भी करते रहोगे तो आ जाएगा ठीक है ओके नाउ दिस वॉज सेकेंड पार्ट नाउ थर्ड पार्ट इफ यू गाइस रीड द थर्ड पार्ट आई हैव टू फाइंड लेंथ व्हेन विड्थ इज गिवन 2 meter तो उन्होंने क्या बोला कि एक टेंट है टेंट कौन से शेप में कोनिकल शेप में ठीक है अब उन्होंने बोला कपड़ा है बहुत लंबा सा मुझे नहीं पता कितनी लेंथ चाहिए कपड़े की पर मुझे इस टेंट के किनारे किनारे लपेटना जैसे आपने पट्टी देखी है सफ़ेद वाली जो हम चोट में बांधते हैं
उसकी विड्थ छोटी होती है, क्या होती है उसकी, है ना, पर वो लंबी बहुत होती है। तो मुझे विड्थ कितनी देर की है और मुझे लेंथ पूछ रहे हैं, लेंथ कितना होगा, मतलब इनडायरेक्टली वो लोग पूछ रहे हैं इसमें कितना कपड़ा लगेगा। यही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कि जब मैं कपड़ा यहाँ से बांधना, पट्टी की तरह बांधना स्टार्ट करूँगा तो कितना कपड़ा लगेगा इसमें, ठीक है। तो आई एम गोना फाइंड, तो अगर ऐसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड, क्या ढूंढ रहे हैं, सरफेस एरिया। डेफिनेटली नीचे तो पट्टी नहीं लगेगी, ऊपर ही ऊपर लगेगी, तो मेरे से क्या पूछ रहे हो लोग, सरफेस एरिया, ओके। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पर मुझे एल नहीं पता, क्या नहीं पता मुझे, पर मैंने आपको सबसे पहले जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड द वीडियो आई टोल्ड यू द हाउ टू फाइंड एल, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो एल इज इक्वल टू एच इज 24 का स्क्वायर प्लस आर इज 7 का स्क्वायर, सो एल इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इज 525 का होता है 625, और 24 का होगा 6 और 596 समथिंग लाइक दैट, या 576 और 7 का 49, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एल इज इक्वल्स टू आ जाएगा 625, तो एल इज इक्वल्स टू 25, मतलब स्लैंट हाइट कितना निकल गया मेरा 25। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 25, सो 7 एंड 7 गेट कैंसिल्ड आउट, 25 इंटू कर्व सरफेस एरिया 25 इंटू 22 दैट इज गोना बी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि इतना तो कपड़ा लगेगा, क्या लगेगा इतना, अब उन्होंने बोला कपड़ा इतना लगेगा, पर कपड़े की विड्थ दे दी कि कपड़े की विड्थ कितनी है 2 मीटर, तो लंबा कितना होगा, कपड़े का एरिया इतना लगेगा, ठीक है, पर अगर चौड़ाई चौड़ाई दे दी आपको तो लेंथ कितनी लगेगी। तो मैं क्या करूँगा, कपड़ा इतना लगेगा तो मैं क्या करूँगा, विड्थ लेंथ ढूंढूंगा कपड़े की कितना लगेगी, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, जो भी एरिया है अपॉन ब्रेथ, सो एरिया इज इक्वल टू 550 अपॉन ब्रेथ कितना था 2 मीटर, ओके। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 275 मीटर, ओके। तो कैसा दिखता है वो कपड़ा जो आप लपेटोगे टेंट के ऊपर, वो कैसा है, 2 मीटर है ऐसे में, और ऐसे में चौड़ाई में कितना है 275 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप दैट्स हेल्पफुल फॉर यू गाइस।